Hello students, yesterday we have discussed about the types of habitat and based on that type of habitat how the animals are classified. Today we will study about the body coverings. So children, look at the pictures given here. Snail shell, fish scales, crocodile scales, lion hair, arctic fox fur, sparrow feathers, tortoise shell, oyster shell, ship wool, polar bear fur, peacock feathers, snake scales. The animals shown above have different body coverings. This helps them to adapt and live comfortably in their habitats. सो जितने भी पिक्चर में एनिमल्स दिखाए गए हैं वो क्या दिखाए गए हैं, हर एक एनिमल की डिफरेंट बॉडी कवरिंग होती है ताकि वो जिस भी इन्वायरमेंट या जिस भी हैबिटेट में है वहाँ पे इजीली अडेप्ट कर पाएँ और रह पाएँ. फॉर एग्जांपल वी द ह्यूमंस, अगर हमारे यहाँ विंटर सीजन पड़ता है तो हम अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स पहन लेते हैं ताकि हम अपने बॉडी को हॉट कर सके, वार्म कर सके. इन द सिमिलर मैनर जब समर सीजन आता है तो हम क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहन लेते हैं ताकि हमारी बॉडी को कंफर्ट मिले. रेनी सीजन आता है तो हम बाहर निकलते टाइम रेन कोट या अम्ब्रेला यूज़ करते हैं. बट दिस सोर्सेज आर नॉट अवेलेबल फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए ये सोर्सेज नहीं है. तो उनकी जो बॉडी कवरिंग होती है वो उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग होती है कि जैसा जैसा वहाँ का एनवायरनमेंट हो, टेम्परेचर हो, उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी कवरिंग उनको हेल्प करे सर्वाइव करने में. सो लेट्स सी फेदर्स. बर्ड्स हैव फेदर्स दैट कीप देम वार्म एंड हेल्प देम टू फ्लाई. सो अगर बर्ड्स के पास फेदर नहीं होंगे तो वो अपने आप को वार्म कैसे रखेगा, वो फ्लाई कैसे करेगा. सो उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग नेचर ने उसको उसके हिसाब से कवरिंग प्रोवाइड की है. बर्ड्स हैव फेदर्स, बर्ड्स के पास फेदर होता है ताकि वो अपने बॉडी को वार्म गर्म रख सकें और स्काई में फ्लाई कर सकें. स्केल्स, फिश हैव ओवरलैपिंग स्केल्स दैट डू नॉट लेट वाटर एंटर देयर बॉडी. फिश के ऊपर क्या होती है, ओवरलैपिंग स्केल्स होती है जिसके वजह से वाटर उनके बॉडी के अंदर नहीं जाता है. रेप्टाइल्स सच एज क्रोकोडाइल, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स ऑल्सो हैव स्केल्स फॉर प्रोटेक्शन. रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडाइल्स, स्नेक और लिजर्ड के पास भी स्केल्स होते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. नेक्स्ट शेल, अ वेरी हार्ड आउटर कवरिंग इज कॉल्ड अ शेल. इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट बॉडी ऑफ एनिमल्स सच एज स्नेल, टॉर्टोइस एंड ऑयस्टर. एक हार्ड आउटर कवरिंग जिसको हमने शेल बोला है वो कुछ कुछ एनिमल्स में पाया जाता है जैसे कि स्नेल्स, टॉर्टोइस एंड ऑयस्टर्स, ताकि वो उनके सॉफ्ट बॉडीज को प्रोटेक्ट कर सके. नेक्स्ट इज वूल. एज वी ऑल नो, हमको पता है कि हमें वूल किससे मिलता है, शिप से. सम एनिमल्स सच एज शिप हैव अ हेयरी बॉडी कवरिंग कॉल्ड वूल. इट कीप्स देयर बॉडी वार्म. जैसे हमारे बॉडी को वार्म रखने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं. सेम उसी मैनर में शिप को अपने बॉडी को वार्म रखने के लिए एक हेयरी बॉडी कवरिंग उनको प्रोवाइड की गई है जो कि वूल होता है. उसी वूल को यूज़ करके हमारे वुलन क्लोथ्स बनते हैं. नेक्स्ट इज फर. द थिक फर ऑफ अ पोलर बियर और एन आर्कटिक फॉक्स प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. पोलर बियर और आर्कटिक फॉक्स के पास क्या होता है, एक थिक फर होता है. उनकी बॉडी कवरिंग फर से बनी होती है जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है कब, एक्सट्रीम कोल्ड के टाइम. एक्सट्रीम कोल्ड के टाइम वो उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. अंडरस्टूड. सो आई हैव प्रोवाइडेड यू वन वर्कशीट बेस्ड ऑन दी बॉडी कवरिंग्स एंड ट्राई टू सॉल्व दैट वर्कशीट ऑन योर ओन. थैंक यू.